पूर्वी दिल्ली से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद गौतम गंभीर द्वारा गुरुग्राम में एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ ट्वीट करने पर उन्हीं के पार्टी के शुभचिंतकों ने उन्हें आरे हाथों लिया है। मुस्लिम व्यक्ति से कथित तौर पर उसकी धार्मिक टोपी हटाने के लिए कहा गया था। गौतम गंभीर ने इस घटना को दुखद बताया था। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में मुस्लिम युवक को उसकी धार्मिक टोपी हटाने और जय श्री राम बोलने के लिए कहा गया, यह निंदनीय है। गुरुग्राम प्रशासन द्वारा अनुकरणीय कार्रवाई होनी चाहिए। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, जहां जावेद अख्तर ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे लिखते हैं, तो वहीं राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म दिल्ली सिक्स में अर्जियां जैसे गीत होते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने गंभीर को मामला उठाने में पक्षपात नहीं करने के लिए कहा। एक यूजर किशोर भरतवाल ने लिखा कि मथुरा के भारत यादव पर ट्वीट कीजिए, जिसे रोजा खोलने के लिए खरीदी गई लस्सी के पैसे मांगने पर मार दिया जाता है, या चुप बैठिए, उन विषाणुओं से प्रभावित ना हो जो पक्षपात कर मुद्दे उठाते हैं। खुद को भाजपा समर्थक बताने वाले एक यूजर अंकित जैन ने भी गंभीर से हिंदुओं के मुद्दों समेत हर मुद्दे पर बोलने पर या फिर चुप रहने के लिए कहा। गंभीर की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल करने वालों मैसेज आने पर उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता पर यह विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से ही निकला है। मैं खुद को सिर्फ गुरुग्राम मामले तक ही नहीं रोकूंगा। जाति या धर्म के आधार पर कोई भी उत्पीड़न दुखद है। सहिष्णुता और समावेश पर ही भारत की विचारधारा आधारित है। और साथ ही वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान को दबाएं।